देखिए आज मेरे साथ हैं सुपर जीनियस गूगल बॉय कोटेल पंडित, जो बड़े ही इंटेलिजेंट है और चुटकियों में सारे एक मुश्किल से मुश्किल पजल को भी सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों का जब पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं कर लगता तो कैसे वो बच्चे पढ़ाई करें, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को भी कैसे एक जहन में बैठा लें जिससे कि हमेशा के लिए याद रहे, आज कोटेल बताएंगे हमें। क्योंकि चाहे साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, कैसे अच्छी तरह से पढ़ना है, इनको सारा कुछ आता है, बड़े अच्छे तरीके से आता है। तो मैं चाहूँगा कोटेल एक बार बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक करनाल प्लस एंड मनोज अंकल जी फॉर गिविंग मी अ चांस। और आज मैं आपको एक चीज़ में खड़ा हो जाता हूँ और आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, कई लोगों को लगता है कि साइंस इज़ वेरी डिफिकल्ट, साइंस के अंदर तो मुश्किल चीज़ें, बोरिंग चीज़ें हैं जो कि हमको कहाँ हेल्प करने वाली है। लेकिन असलियत में आज मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि इस 11th ग्रेड के, इस 9th ग्रेड के कॉन्सेप्ट को आप कैसे आसान बना सकते हो। देखिए, आसान आपके वे पर डिपेंड करता है और वो मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। और अब जैसे कि अंकल जी ने कहा, ऐसी वीडियोज आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसके अलावा मेरे फेसबुक के अंदर भी है कोटेले पंडित - गूगल बॉय के नाम से, वहाँ से भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो विद दिस आई'ड लाइक टू टेल यू, देखिए हमारे पास आज क्या है, हमारे पास यहाँ दो कैंडल्स है। आप देखेंगे ये सेटअप क्यों है। आज मैं आपको बताऊंगा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट या फिर हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ये हमारे पास एम्प्टी बलून है, आपको मैजिक सा ही लगेगा शुरू में, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी है। आपने देखा ये बलून फूट गया, लेकिन अभी हमारे पास एक दूसरा बलून है अगर आप देखिए, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। वो बिल्कुल ही एम्प्टी बलून था, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं, कैंडल है, आग है, और अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो अब देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। अब मैं 2-3 मिनट और रखता हूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, ये काला हो गया है, ये इतना काला हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। देखिए अगर मैं आपको फिर से भी दिखाऊं, देखिए कितना काला हो गया, लेकिन ये फूटा नहीं है। व्हाट इज एक्चुअली द रीजन, लेट मी टेल यू। देखिए, आपको शुरू में लगेगा ये मैजिक है, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल साइंस का एक फिनोमेना है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास था एक एम्प्टी बलून, एम्प्टी बलून के अंदर क्या हुआ, एम्प्टी बलून जो था उसके अंदर कोई भी पानी वगैरह नहीं था। और जब भी हम उसको हीट के एक्सपोज में लाते, यानी कि फायर के एक्सपोज में हम उसको लेके आते थे, तब वो फूट जाता था। इसका मतलब जो इसकी जो ये बलून की जो भी ये मटेरियल है, सिंथेटिक मटेरियल है, मे बी ये पॉलिएस्टरीन है, तो जो पॉलिएस्टरीन है वो हीट को गेन करता है इससे, और फिर वो इतनी ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती कि वो बर्न कर जाता है और वो फूट जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो ऐसे है। अब क्या होगा, अब इस जो पॉलिएस्टरीन भी है, लेकिन इसके अंदर अब क्या डिफरेंस है, पानी है। तो पानी के अंदर क्या हो रहा है, ये तो जल रही है, आग हीट भी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन अब ये पॉलिएस्टरीन को नहीं, ये पानी के अंदर हो रही है। तो इसके अंदर जितनी भी हीट है वो आग से लेकर पानी के अंदर जा रही है। अगर आप देखो तो अब ये जैसे ये इसके तरफ आ रहा है, तो इसके ये भी गर्म हो रहा है, ये काला हो रहा है, लेकिन ये जल नहीं रहा, क्योंकि जो पॉलिएस्टरीन है, यानी कि जो ये सिंथेटिक मटेरियल है बलून का, वो हीट पकड़ ही नहीं रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, अगर जो भी कोई मटेरियल है, अगर आप उसको डायरेक्ट एक्सपोज में लाते तो फूट रहा है, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन गेट हीट ट्रांसफर, दैट कैन गेट अ हीट ट्रांसफर। लेकिन इसके अंदर क्या है, पानी है, इसलिए पानी हीट को ट्रांसफर कर ले, लेकिन जो हमारा बलून है वो नहीं। अगर मैं आपको एक और सेकंड दिखाऊं तो ये गर्म होता रहेगा, काला होता रहेगा, मे भी थोड़ी देर के बाद फट जाए, लेकिन अभी बिल्कुल ही नहीं फट रहा, क्योंकि जो ये है, ये चीज़ है, दिस इज नॉट इवन कैचिंग। एंड विद दिस आई लाइक टू गेट ओवर टू मनोज अंकल जी। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कोटेल ने। देखिए, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट कितना मुश्किल होता है बच्चों को समझने के लिए, लेकिन इन्होंने इजीली समझा दिया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि सब लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को प्रेज कर सकें और उसका सब लोगों को फायदा मिल सके। थैंक यू।